की स्किन से एटने, पिंपल एंड किसी भी टाइप के स्कार्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये वाला जो अर्गन फेशियल ऑयल है, ये आपको 24 कैरेट गोल्ड के साथ में मिलता है। हे वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज मेघा एंड फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल माय पर्पल हॉल। एज यू ऑल गाइज नो कि क्रिसमस एंड न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, तो सभी जगह पे सेल चल रही है एंड पर्पल पे भी 16 टू 20 दिसंबर तक सेल चल रही है। सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर माई पर्पल हॉल विथ यू ऑल गाइज, सो दैट इट बिकम ईजियर फॉर यू ऑल कि आपको पर्पल से क्या क्या परचेज करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स यानी स्किन केयर से। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास में है वो है ये निविया का लाइट सॉफ्ट मॉइस्चराइजर विथ विटामिन ई। ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, मैं इसे डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ बिफोर माई मेकअप और बिल्कुल भी ग्रीसी सी फीलिंग नहीं आती इसको यूज़ करने के बाद में, और आपको काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा इसको यूज़ करने के बाद में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास में यहाँ पर है वो है ये बायोटिक का वाइटनिंग लिप बाम। काफ़ी अच्छा वाला लिप बाम है और इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास में यहाँ पर है ये है अरोमा मैजिक का लेवेंडर फेस वॉश और इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। सो ये वाला फेस वॉश मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ और ये जो अरोमा मैजिक का लेवेंडर वाला फेस वॉश है ये ड्राई स्किन के लिए है स्पेशली, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई स्किन है तो ये वाला फेस वॉश मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास में है ये है ट्रेसमे का शैम्पू विथ कैरेटिन एंड ऑर्गन ऑयल। सो ये वाला शैम्पू मेरा रीसेंट परचेज है, इससे पहले मैं यूज़ करती थी ममा अर्थ का ओनियन शैम्पू एंड ऑनेस्टली वो वाला शैम्पू मेरे लिए बहुत अच्छा काम नहीं किया, उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी। और इसके बाद में मैंने ये वाला शैम्पू अभी मंगाया है और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसको यूज़ करने के बाद में मेरे क्या रिव्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। बट इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज़ इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू अदर ब्रांड्स ऑफ शैम्पू। इसका MRP है 800 रुपीज़ फॉर द क्वान्टिटी ऑफ 1 लीटर, तो ये 1 लीटर वाला शैम्पू बहुत दिन चलने वाला है। अगर आप पर्पल पे शॉपिंग करते रहते हो तो आपने गुड वाइफ्स के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा देखा होगा purple.com पे, एंड मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स गुड वाइफ्स के परचेज़ किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने परचेज़ किया है फ्रॉम द गुड वाइफ्स। सो गुड वाइफ्स ब्रांड में सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ वो है ये गुड वाइफ्स का रोज सीरम जो कि बेस्ट सेलर है पर्पल पे, एंड आई डिसाइडेड टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस एंड इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, अगर आप वो रिव्यू देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो ये वाला सीरम आपको कुछ इस टाइप की बॉटल में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास में है ये है गुड वाइब्स का ऑलिव हाइड्रेटिंग क्लिनजिंग ऑयल। सो अगर आप इस क्लिनजिंग ऑयल को अपने मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड बनाता है और बिल्कुल भी डलनेस या ड्राइनेस नहीं आते फेस में। सो नेक्स्ट मेरे पास में है यहाँ पर ये गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल। सो जो टी ट्री ऑयल होता है वो आपकी स्किन से एटने, पिम्पल एंड किसी भी टाइप के स्कार्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप इसे अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके बालों से डेंडरफ रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो नेक्स्ट मेरे पास में है यहाँ पर ये दो फेशियल ऑयल। फर्स्ट वन है ये आलमंड स्किन ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल एंड सेकेंड वन मेरे पास में है यहाँ पर ये आर्गन फेशियल ऑयल। सो ये दोनों ऑयल इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं और दोनों ही ग्लास की बॉटल हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना है। सो ये वाला जो अर्गन फेशियल ऑयल है ये आपको 24 कैरेट गोल्ड के साथ में मिलता है। सो इन तीनों ही ऑयल को मैंने 10 ml वाली क्वांटिटी में मंगाया है, सो दैट अगर ये मुझको सूट ना करे तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो बेस्ट पार्ट जो मुझे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट के साथ में लगता है वो ये है कि गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट इस टाइप के ड्रॉपर के साथ में आते हैं, तो जब भी आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो आप इस टाइप के ड्रॉपर को यूज़ करो और जब आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है तो इस टाइप का कैप बॉटल के ऊपर लगा रहता है जिसको रिमूव करके आप ड्रॉपर लगा सकते हो, और जब भी आपको ट्रैवल करना है तो इस ड्रॉपर को हटा के इस कैप को आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो लास्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास में यहाँ पर है फ्रॉम द गुड वाइब्स वो है ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टोनर इज़ ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है,
तो अगर आप किसी भी स्किन टाइप हो तो आपको इसको यूज़ करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, वेदर यू आर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, वॉट एवर योर स्किन इज़। सो बेस्ट पार्ट इन सारे ही गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स का ये है कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड में ये टोनर, सीरम और सारी चीज़ें परचेज करने जाओगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाला है। तो अगर आप अफोर्डेबल चीज़ें परचेज करना चाहते हो तो आई थिंक गुड वाइब्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास में यहाँ पर है वो है ली लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा एंड लैक्मे का आइकॉनिक काजल, एंड दोनों ही ब्लैक कलर में है। एंड नेक्स्ट मेरे पास में है यहाँ पर ये लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। सो ये काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है और बहुत ही अच्छे से आपके पोर्स को कवर करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सो अगर आप एक बजट फ्रेंडली प्राइमर परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास में ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। आप इस कंसीलर को एज अ मल्टीटास्कर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स और अंडर आई को कंसील करने के लिए ही यूज़ कर सकते हो। आप इस कंसीलर से अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हो, अपने फेस को कॉन्टोर कर सकते हो। अगर आपको अपने फेस को हाईलाइट करना है तो आपको अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर परचेज करना पड़ेगा, और अगर आप इस कंसीलर से अपने फेस को कॉन्टोर करना चाहते हो तो अपने स्किन टोन से एक शेड डार्क कर लेना पड़ेगा। इसमें जो मेरा शेड है वो है लाइट 120। So this was all for today's video. I hope you enjoyed this video. If so, don't forget to let me know in the comment section below. And don't forget to hit the like, share and subscribe button. And see you soon in my next video. Till then, bye.